15 घंटा रास्ता तय कर दिया है सिर्फ मैच के लिए। हमारा मैच आते है आखिरी ओवरों में खत्म हो जाता है। राशिद तो सिंगल करके दे और राशिद में आ जाता है, राशिद तो फिर भी लग जाता है। कितना दुख हुआ अफगानिस्तान जीता हुआ मैच हार गया, और यही मैच जीत जाता तो पाकिस्तान के साथ मैच होना था। यार यकीन मान दिल से एक खुदा पता है कि दिल पे क्या गुजर रहा है, बस पता नहीं हमारे प्लेयरों पे क्या क्या वजह है यार। हर बार ये 3 रन थे और 75 बार तकरीबन पता नहीं है यार। अब राशिद खान दुनिया में 3 नंबर पे बॉलर है, 3 नंबर बॉलर है, पता नहीं क्या हुआ है इन लोगों पे यार। अच्छा, बात ही नहीं कर सकते यकीन मान दिल से। पाकिस्तान के साथ मैच होना था, पाकिस्तान जीते या हारे पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है कोई बात नहीं, लेकिन ये यार बस हम लोग बैड लक, हमारा मैच आते ही आखिरी ओवरों में ख़त्म हो जाता है। टारगेट 37 ओवर एक बार में मिला था, उसी के लालच पे मैच भी हार गए। बट बहुत ज़बरदस्त खेला अफगानिस्तान टीम ने, मोहम्मद नबी ने बहुत ज़बरदस्त खेला, राशिद खान ने बहुत ज़बरदस्त खेला। अच्छा एंड पे आके थोड़ा सा रह जाते हैं, मैच हाथ में था बस हम लोग का गए एंड भी फिनिश किया हम लोगों ने, तो समझो फिर हम किसी पर रहम नहीं कहेगा। अच्छा हम लोगों का सारा कमजोरी एंड है, अगर एंड हम लोगों ने कवर किया प्रेशर कंट्रोल किया फिर किसी टीम को हम लोगों ने रहम नहीं करना। हमारा किस्मत पे नहीं था, 76 बार 3 रन रहे बाकी था तो हमारा किस्मत पे नहीं था। अगर जीत जाते तो कैसा लगता? चलो कोई बात नहीं सर, निकाले जीते कोई बात नहीं, चलो ये अफगानिस्तान ने जीता हुआ यार, हम लोग क्या बोले यार, बस शुक्र है या इसने जीते या अफगानिस्तान ने जीते, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यहाँ हमारा किस्मत पे नहीं था। भाई कितना दुख हुआ है, अगर जीत जाता तो पाकिस्तान के साथ मैच तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होना था, वो मजा आना था, दोनों का एंजॉय करना था भाई, हमारा दोनों का एंजॉय करना था, बस किस्मत ने किस्मत ने साथ नहीं दी, अफगानिस्तान टीम मार गई है। तो ऐसे ही था बस, साथ बैंड में जो है ना बहुत बुरा हुआ है, तो बस किस्मत साथ नहीं दिया। ये मजीद ने जो छिका मारा, मजीद को चाहिए छिका नहीं मारना, लास्ट विकेट है पीछे देख के खेले, और राशिद तो सिंगल करके दे, राशिद में आ जाता है, राशिद तो फिर भी लग जाता है, मजीद ने क्या कर दिया? कोई बात नहीं, हो सकता है कि वो भी मार जाता, नसीम शाह पर आप लोगों को कोई भरोसा नहीं होता था, वो भी कर जाता था, ऐसी बात नहीं है, कोई भी मतलब कुछ भी कर जाता है। हर जीत गेम का हिस्सा है, कल पाकिस्तान का मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, कल इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्लेम नहीं करना चाहिए कोई बंदा कहीं पर भी, जीत जाते तो कितना एंजॉय करना था कल के मैच को जो पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल ऐसे, ये देखिए मेरी बात सुने कि पाकिस्तान और इनका मुकाबला हमेशा एक टक्कर का मुकाबला रहा, ठीक है ये बात नहीं है, यहाँ से क्वालिफाई करके जाते मैं कहता हूँ देखने का मैच होना था, कल बांग्लादेश के साथ लेट गए तो वो मज़ा नहीं है जो अफगानिस्तान के साथ, तो हमेशा क्रूशल गेम होती है, तो बात ये है। मैं कहूँगा मैं खिलाऊंगा स्पेशल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जो मैच है बाबर आजम का सपोर्ट करता हूँ, बाबर क्योंकि बांग्लादेश के बुजदिल टीम है, बांग्लादेश जो है ना बुजदिल टीम है, बांग्लादेश का कभी भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, पाकिस्तान का सपोर्ट करता हूँ, पाकिस्तान में बाबर आजम का सपोर्ट करता हूँ। आज तो दुख हुआ था लेकिन इतना दुख नहीं हुआ, हम पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। जीत जाते तो पाकिस्तान के साथ मैच था, वो ज्यादा मजा आना था कि नहीं आना था? नहीं ये भी अच्छा मैच था, लेकिन जो स्टार्ट मेरा मनला गुरबाज था उसने अच्छा स्टार्ट नहीं लिया, अगर उसने अच्छा स्टार्ट लिया तो इंशाल्लाह मैच हमारा हाथ में था, और आखिर में फिनिश भी सही नहीं हुआ। अच्छा आप समझते थे कि अगर कल पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का मैच होता तो ज्यादा एंजॉय करना था दोनों? फिर ज्यादा एंजॉय करता, अगर वो मैच होता हम तो चलो ये तो किस्मत की बात है, हमारे किस्मत में नहीं था ये मैच, और इंशाल्लाह आगे कल पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे? हाँ कल इंशाल्लाह।